तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह में फार्म में आके मैंने देखा जो मेरा जो ड्रिंकर का बर्तन है तो बर्तन ऑलरेडी क्लीन कर दिया मेरा बंदा, और मैं आज इसमें दिखाऊंगा कि पानी को कैसे भरा जाता, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने ऐसा गलती कर देता है कि पानी टैंक में रहते हुए वो फिर पानी डाल के उसमें वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कर देता है, तो इसमें चिक्स का जो लीवर डाइजेस्ट सिस्टम है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो लूज ड्रॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा एक भी बर्तन में पानी नहीं है, जस्ट साफ़ सुथरा है, तो अभी मैं इसमें पानी भरने वाला हूँ। और दोस्त जैसे कि मेरा आज 13 दिन चल रहा है, डे 13, तो उस हिसाब से मेरा जो एवरेज चिक्स का ग्रोथ है आप देख पा रहे हैं, ग्रोथ भी ठीक है, तो इस हिसाब से उतना ही मैनेजमेंट मेरे को करके चलना पड़ता है जाके एफसीआर भी ठीक रहे और ग्रोथ भी ठीक रहे, तो उसमें मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला है, तो ऐसा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। और दोस्त जब आप सुबह में पानी टैंक में नया पानी डालने वाले हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए मैं एक बार बोल देता हूँ। अब चलिए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। मेरा जो टैंक है ये तो फार्म के पीछे साइड में मेरा टैंक है, तो आपको ये करना चाहिए कि ये जो मेरा तीन खम्भे है उसके ऊपर मेरा पानी का टंकी है, तो इसमें पानी भरा जाता हर दिन। और मैं बोल देता हूँ हर दिन आप अगर सुबह हो या शाम हो अगर पानी भरना चाह रहे तो आपको जो टैंक में बचा हुआ पानी है पानी को आपको निकाल देना चाहिए। जैसे कि मेरा बंदा ऑलरेडी कर दिया, पानी को टोटल टैंक में जितना पानी था उसको बाहर कर दिया, क्योंकि एक मैं बात बोल देता हूँ, जैसे कि कल शाम को जो जितना पानी दिए थे उस हिसाब से आप तो वाटर सैनिटाइजर उसमें इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसी में अगर आप पानी फ्रेश पानी भर के उसमें अगर फिर वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पानी में वाटर सैनिटाइजर का मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एक बात बोल देता हूँ, वाटर सैनिटाइजर का एक्सपायरी है 12 आवर्स 8 आवर्स, उस हिसाब से होता है। बहुत सारे मेडिसिन ऐसा भी होता है कि 8 आवर्स तक उसका एक्सपायरी है, मतलब 8 घंटा बाद आपको पानी चेंज करना पड़ता है, लेकिन उतना कर नहीं पाते। मैं 2 टाइम के पानी चेंज करता हूँ, एक तो सुबह में और एक शाम को। तो कल शाम को जो जितना पानी भरते उस हिसाब से मैंने वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल किए थे और जो बचा हुआ पानी मैं निकल दिया, और अभी फ्रेश पानी भर के इसमें वाटर सैनिटाइजर मैं फिर से नया देने वाला हूँ। तो जो पानी अगर आप फ्रेश चिक्स को पिलाएंगे तो उसमें आपको रिजल्ट भी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने ऐसा बोलता है कि चिक्स का जो जैसे ही 13-14 दिन हो जाता है चिक्स लूज ड्रॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी तक ऐसा सिचुएशन मेरे फार्म में देखने के लिए नहीं मिले। और लीडर का जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, तो ऐसा मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। पानी अगर आप भरना चाह रहे हैं 2 टाइम तो बचा हुआ जो पानी है टांकी में तो उसको आपको निकाल देना चाहिए। तो दोस्त मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप अपना जो कुछ जानना है आप बोल सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।